हाँ सर, आज दिल्ली सीमिया में बोलिया स्वच्छ रक्तदाता संस्थाओं द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई है, थोड़ा विस्तार से बताएं क्या है। आज दिनांक 31 मार्च 2023 को दिल्ली सीमिया और हिमोफिलिया के ऊपर कार्यशाला आयोजित हुई है, जिसमें दिल्ली सीमिया से पीड़ित बच्चे और जो ब्लड डोनेशन जो कराते हैं वो संस्थान उपस्थित हुए, काफ़ी संख्या में आज लोग आए थे यहाँ पर और काफ़ी सारे में और विचार ग्रेजुएशन में रखे विचार तो जिसमें रखे मेडिकल कॉलेज में रखे विचार पूरी संपूर्ण जानकारी फिलेसी में और जिले के लिए दी गई है और हमारे कोटा से यही सिंह जी जो कि भट से संभालते हैं वो भी आए थे कोटा से, उन्होंने भी पूरी जानकारी क्या क्या बेनिफिट हैं, कहाँ का इन्वेस्टिगेशन हो और इसके आगे क्या बेनिफिट हमें मिलेंगे बताया। और हिमोफिलिया के पीड़ित लक्षित बच्चे जो देखे उनको 15 दिन या महीने लगातार ब्लड कराना पड़ता है और कभी कभी को दूर करने के लिए जो सामाजिक संगठन रक्तदान करने वाली संस्थाएं जो तन मन से लगी हुई है, बूढ़ा भी समय समय पर मैं डॉक्टर सिंह की चर्चा वाली बोल रहे हैं क्योंकि बूढ़ी में हमेशा ही कभी कभी से ब्लड बैंक को जुड़ना पड़ता है, तो रक्तदान करने वाली संस्थाओं का और रक्तदाताओं का समय समय पर अगर सम्मान होता रहेगा तो ये जबकि कभी जो हो रही है ब्लड बैंक में कहीं ना कहीं इसको भी हम दूर कर पाएंगे और जब रक्ति कभी दूर हो जाएगी तो पूरी इंडिया के बच्चे जो कभी कभी रक्त नहीं मिले थे कभी कोटा कभी गाँव जाते हैं इनके परिजन परेशान होते हैं क्योंकि कभी तो सब नहीं कई गरीब परिवार के जो देख रहे सामने बच्चे हैं इनको न तो कभी किराया होता है कहीं वहाँ प्राइवेट ब्लड बैंक में देने के लिए पैसा होता है, ये जगह जगह बेचारे इधर उधर फोन करके मदद के लिए गुहार लगाते हैं, तो कहीं हम सामूहिक रूप से ब्लड बैंक के जो इंचार्ज जो टेंशन बनाया कि कौन सबसे ज़्यादा प्रदान कर रहा है और कौन सस्ता है इसमें आपके लिए प्रचार प्रसार रक्तदान के क्षेत्र में कर रही है उनका समय समय पर आप लोग बराबर बढ़ाए सम्मान करें, इससे ये जो खाई है आपकी और रक्तदाताओं के बीच में दूर होगी और हम कहीं ना कहीं रक्तदान की जो कमी हो रही है उसको दूर करने में सफल हो पाएंगे। हमारे हनुमान जी ये भी संगठन का रक्तदान शिविर लगाते हैं और कई संस्थाएं समाज के अध्यक्ष हैं ये जो भी समाज से प्रेरित कर रक्तदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं, हमारा संगठन मानव सेवा समिति पिछले 6 वर्षों से रक्तदान को करवा ही रहा है, रक्तदान के प्रति जागरूकता के लिए अभियान एक अलग जगह रखी है, शायद ही कोई ऐसा दिन निकलता होगा जिस दिन रक्तदान की खबरें यहाँ की मीडिया में हर साल पीछे लेकर पूरे 24 उम्र में रक्तदान के क्षेत्र में मानव सेवा समिति ने एक नाम कमाया है और हमेशा ये भैया रहा है कि नए रक्तदाता हम बनाए नवयुवाओं को रक्तदान के ब्लड बैंक की संस्थाएं कर देती है, इसलिए सभी को युवाओं को 3 महीने या 4 महीने में निरंतर रक्तदान करना चाहिए। इसके अलावा LGBT प्लाज्मा जो डोनेशन होता है उसके लिए भी लोगों को हम जागरूक करते आ रहे हैं, कई मरीज ऐसे होते हैं जिनमें सफेद रक्त की कमी होती है उनके लिए प्लाज्मा की जरूरत होती है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, शायद डॉक्टर साहब भी लड़ रहे हैं चालू हो जाए तो यहाँ के जो मरीज हैं जिसको कोटा रेफर किया जाता है उनको प्लाज्मा LGBT RBC यही उपलब्ध हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं गरीब मरीजों को ये भी सुविधा मिल पाएगी, इसके लिए डॉक्टर साहब निरंतर प्रयास करते हैं, हम भी कलेक्टर साहब से 2-4 बार भी दे चुके हैं, हम प्रयास करेंगे कि जल्दी जो भारी सुविधाएँ ब्लड बैंक की होती है वो यहाँ के जिले के मरीजों को मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको आना पड़ेगा, आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, आपका बगल सामने तो खेत भी है मेरे गेहूँ पड़े हुए फिर वहाँ जाओ तो आपको अपने बच्चे को ध्यान इतना मगर आपको बच्चे देने की ना नहीं है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई तो ये चीज़ें हैं जो नई कहानियाँ कम खाई है बच्चे की बेटी का परिजनी आसान होता है, कट्टे बल्ब नहीं खाने कट्टे बल्ब खाएंगे तो उससे भी आयरन से एब्जॉर्प्शन